हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो क्या आपको भी ये वाला आई मेकअप सीखना है? तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, बट आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी तो ही आप आई मेकअप सीख पाओगे। सबसे पहले आई डमी पर बेस लगाना है आपको, देन बेस लगाने के बाद उसको ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। फर्स्ट हम टू लाइट ब्राउन आई शेडो लेंगे, देन क्रीज के ऊपर अच्छे से ब्लेंड करेंगे और ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए गाइस। सेम आपको दूसरी साइड पर भी लाइट ब्राउन आई शेडो देना है और प्रॉपर ब्लेंड करना है। नेक्स्ट हम ऑरेंज आई शेडो लेंगे एंड हमने जो लाइट ब्राउन आई शेडो किया था उसकी थोड़ा सा नीचे अप्लाई करेंगे एंड प्रॉपर ब्लेंड कर देंगे दोनों आई शेडो को। नेक्स्ट हम मरून आई शेडो लेंगे एंड क्रीज पर अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे एंड जो हमारा फ्लफी ब्रश होता है क्रीज वाला उससे आपको क्रीज पर अप्लाई करना है और वाइपर की तरह आपको अप्लाई करके ब्लेंड करना है। दूसरी साइड पर भी आपको मरून आई शेडो लेना है और क्रीज पर अप्लाई करके प्रॉपर ब्लेंड करना है। नेक्स्ट हम ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और अच्छे से आपको प्रॉपर ब्लेंड करना है ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। दूसरी साइड भी आपको सेम ब्लेंड करना है ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट आपको ईयरबड्स लेना है फुल कटिंग करने के लिए। सेम दूसरी साइड भी आपको फुल कट पीस करना है फिनिशिंग के साथ एयरब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट आपको कंसीलर लेना है, फ्लैट ब्रश लेना है एंड उसको प्रॉपर कट करेंगे फिनिशिंग के साथ आपको कट करना है। दूसरी साइड भी आपको फुल कट पीस करना है फिनिशिंग के साथ। नेक्स्ट आपको व्हाइट आई शेडो लेना है क्रीज पर अप्लाई करना है जो हमने कट किया था। दूसरी साइड भी हम सेम अप्लाई करेंगे व्हाइट आई शेडो। नेक्स्ट हम लाइनर लगाएंगे, आउटर वी पर हमें लाइनर लगाना है, जैसे मैं लगाऊं सेम आपको वैसे ही लगाना है गाइस। दूसरी साइड भी आउटर वी पर आपको लाइनर लगाना है। ब्लैक आई शेडो से इसको ब्लेंड कर देना है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आपको रेड आई शेडो लेना है और लिड पर आपको अप्लाई करना है। सेम दूसरी साइड भी आपको लिड पर अप्लाई करना है रेड आई शेडो। नेक्स्ट आपको ऑरेंज आई शेडो लेना है और लिड पर आपको अप्लाई करना है ब्लेंडिंग के साथ आपको अप्लाई करना है गाइस। सेकंड आईज पर भी आपको लिड पर अप्लाई करना है ऑरेंज आई शेडो। नेक्स्ट आपको येलो आई शेडो लेना है और फ्रंट पर आपको अप्लाई करना है प्रॉपर ब्लेंड भी साथ के साथ करेंगे आप। वाटर लोवर लैशेज पर आपको रेड आई शेडो अप्लाई करना है। दूसरी साइड भी आपको सेम रेड आई शेडो अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपको ऑरेंज आई शेडो अप्लाई करना है। दूसरी साइड भी आपको ऑरेंज आई शेडो अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपको येलो आई शेडो अप्लाई करना है। दूसरी साइड भी आपको येलो आई शेडो अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम लाइनर लगाएंगे और लाइनर आपको फिनिशिंग के साथ आपको लगाना है। दूसरी साइड भी हम सेम लाइनर लगाएंगे। नेक्स्ट हम नोज कॉन्टोरिंग करेंगे और नोज कॉन्टोरिंग आपको मेरे साथ करना है सेम जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही।
नेक्स्ट हम कॉन्टोर को ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए तो ही आपका नोज कॉन्टोरिंग अच्छा आएगा। नेक्स्ट लगाएंगे हम हाइलाइटर। हाइलाइटर आपको सेम जैसे मैं लगा रहा हूँ आपको वैसे ही लगाना है। फाइनली लगाएंगे गाइस हम लैशेस, और लैशेस लगाने के बाद हमारा जो लुक है काफी ब्यूटीफुल एंड प्यारा आने वाला है। तो गाइस मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक भी करें, शेयर भी करें, लोगों तक मेरी वीडियो शेयर करें जिससे कि लोग भी सीख सकें और उनको भी हेल्प हो मेरी वीडियो से, ताकि वो कुछ न्यू सीख सकें, मैं आपको कुछ ना कुछ लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइज़।